छोड़ रखा भाई इन्होंने, ये देखो से हेलो भाई, ये आंटी है मुझे लेके जाएगी भाई बीच पे। आंटी ने मुझे ड्रॉप कर दिया है, आंटी ने वेलकम किया, तो यहीं चलते हैं। तो भाई इस तरह से शेक्स बनी हुई है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। मसाज नहीं, नहीं मसाज नहीं, पानी की जो लहर है ना भाई वो तेज होनी चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह की लहर है जैसे झील में, इतनी लहरें तो झील में होती हैं भाई। वेलकम टू अनदर ब्लॉग, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज तीसरा दिन है पताया में थाईलैंड के अंदर, और पहली बार अभी मैं समंदर में घुसा हूँ। जो एक्सपेक्टेशंस, जो मज़े, जो सोच मैं लेके यहाँ पे आया था पानी के अंदर नहाने की, भाई वो ज़ीरो है पताया के अंदर। तो मैं पहले पताया सिटी के अंदर था बिल्कुल, तो वहाँ पे जो पानी का लेवल था भाई ज़ीरो था, गंदा था पानी। और अभी मैं एक डेढ़ घंटे की ड्राइव करके बीच से बाहर आया हूँ, और मैं एक डुबकी तो लगा के आया हूँ भाई। पत्ते वत्ते लकड़ी वटकड़ी भाई तुम जो बोलोगे, प्लास्टिक व्लास्टिक सब पानी के अंदर है। और भाई रील्स में तो दिखाते हैं कि भाई पानी बहुत साफ है, बट ये जो रियलिटी है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। अपने गोवा का पानी बहुत साफ है इससे, ये देख लो भाई, ये देख लो ये पानी के अंदर क्या क्या छोड़ रखा है। ये देख लो पत्ते वत्ते देख रहे हो, ये पानी का लेवल है भाई। ये देखो ये प्लास्टिक व्लास्टिक सब छोड़ रखा है भाई इन्होंने, ये देखो भाई। जितना डिसअपॉइंटेड हुआ ना मैं यहाँ पे आके, पहली गलती तो मैंने ये करी, मैं ऑक्सीजन में आया। किसी भी ब्रो किसी भी एंगल से समंदर तो लग ही नहीं रहा ये। अच्छा यहाँ पे जैसे इंडिया में शेक्स वैक्स के ऊपर खाने के लिए आपको सब चीज़ें मिलती है, यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको आना पड़ेगा ऐसे, ये लोग लगा रखा है इन्होंने इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल्स। यहाँ पे मोस्टली आपको नॉन वेज फूड मिलेगा। अगर आप बीच पे इस तरह से टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो अपने साथ वेजिटेरियन फूड लेके आना। अभी देखते हैं इनके पास क्या है। मतलब पिज़्ज़े का समझाने के लिए ना मेरी फट रही है। अभी पहले एक भैया थे, फिर ये मोटी दीदी आ गई, फिर ये बुढ़ी आंटी आ गई। हाँ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा नो मीट, ओके नो एग, नो मीट, नो पोर्क, नो फिश, ओके वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। यू वांट वन पिज़्ज़ा, वन पिज़्ज़ा एंड फ्राइड राइस, ओके नो नो पिज़्ज़ा, माई इन माई पिज़्ज़ा नो मीट नो फिश। मैं सच बात कह रहा हूँ, जितना थाईलैंड थाईलैंड सुना था ना ब्रो, रंडी खाना एक नंबर का। और बीच इतना गंदा ना भाई, इतना गंदा बीच है ना, मैं तुम्हें कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान कसम। अंदर जाता हूँ ना पानी के अंदर, पत्ते वत्ते पैकेट प्लास्टिक, मतलब कसम से बहुत गंदी फीलिंग आ रही है यार। मैं तो फंस गया यार यहाँ पे आके, मेरा मन ही नहीं लग रहा। अब मैं ये सोच रहा हूँ वापस को भाई, तुम्हारी बहन, अगर किसी ने आज के बाद गोवा के बारे में गलत बोला ना, थाईलैंड के बीच बड़े साफ हैं, थाईलैंड के बीच बड़े, तुम्हारी बहन दी तुम्हारी जय। सालों आज के बाद कभी कुछ मत बोलियो थाईलैंड के बीच, बड़ो गंदे हैं, टोटल गंदे हैं भाई एकदम। मैं जा रहा हूँ भाई, दो घंटे बैठो बड़ी मुश्किल से, खाना भी आधा छोड़ दिया, पिज़्ज़ा एकदम ऐसे पड़ा भाई, खाना नहीं है मेरे को, मैं निकल रहा हूँ। मैं कहीं इससे बढ़िया भाई जाके ना किसी कैफ़े वैफे में बैठ जाऊँ, मेरा इधर देखने का मन भी नहीं कर रहा ना। तो यहाँ नहाने के लिए कोई व्यवस्था है ना, या किसी को वॉशरूम जाना है कोई व्यवस्था नहीं है। हटाओ यार, चलो वैंचो निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ें आई हैं भाई मेरे पास, देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, मैंगो, मैंगो
भाई। और नई बात सुन लो, अब समंदर से निकला हूँ तो भाई बॉडी चिप चिप करती है, नमकीन पानी है भाई। तो मैंने दीदी से पूछा, मैंने बोला शावर की तरह, तो बोले वो सामने गली के अंदर जाओ और पैसे ले ले भाई, पैसे 20 बाट्स लेंगे। रुको लो भाई, अब लौट के नंगे घर को आए। अब सोचो बहनचो, अब नंगे पाओ कच्छा डाल के तुम्हारा भाई सड़क पे डोल रहा है यार, और किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा भाई बताओ, ये सूफी भैया क्या हो गया आपको। और शावर लूँगा तो ही कपड़े डालूँगा ना यार, रेत से भरे हुए जूते तो डालने से आराम है भाई। मैं कसम से बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ यार, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ यार थाईलैंड से। मेरे को यार नज़र लग गई है, मेरे को नज़र लग गई यार, मेरे ट्रिप को बहनचोद कुछ हो गया है। हेलो चाचा। हेलो एवरीबॉडी, ओके चोमचे, तुम्हारी माँ छोड़ देगा ये अगर। हेलो बोलो। हेलो, देखो ये लगा टॉयलेट और शावर। अगर तुम्हें हगना है ना, अगर तुम्हें हगना है तो भी भाई तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं कि अतिथि देवो भवो। हेलो, हाय हाय शावर, ओके हाँ 20 बाट आके देता हूँ तेरे को मैं। नंगा ए नंगा। लो भाई 50 बाट, 50 बाट दिए भाई नहाने के लिए। हालत देख लो, ये यहाँ से कोई मोरी करके देख रहा था क्या ये हैं? अब 50 रुपये है भाई, 20 बाट का मतलब हो गया 50 रुपये मोटा मोटा। चल पड़, पानी भी एकदम धीमे धीमे आ रहा भाई। मैं ना आ रहा भाई, बताया बताया गया तो अगली बारी अगर थाईलैंड आया तो अगली बार जाऊंगा, पता किधर अगली बार जाऊंगा, फुकेट पोटी करनी है तो भी बहन चो कैसे दो इनको। और हालत देख लो, अरे ये क्या बहन चो नीचे, ओ माय गॉड, देखो भाई ये बहुत बुरी हालत है भाई इस देश की। सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज मिलती है, अब वो तुम्हें बताऊंगा नहीं क्या मिलती है, तुम्हें सबको पता है हरामी, वो तुम्हें सबको पता है क्या मिलता है यहाँ पे, तो वो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ चलो, आप 50 रुपये दो, नमकीन पानी उतर गया भाई।